दोस्तों, मैं हूं ताइपे ताइवान में और मैं जाने वाला हूं कॉम्पिटेक्स 2019 के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ASUS कॉम्पिटेक्स 2019 में बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को शोकेस करने वाला है। चलिए देखते हैं कि ASUS के अलावा दूसरे ब्रांड्स वहां पर क्या क्या शोकेस करने वाले हैं, हमें वहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ASUS ने बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स कॉम्पिटेक्स 2019 में लॉन्च किए हैं और क्योंकि उन्होंने 30 साल कंप्लीट किया है तो उन्होंने तीन खास प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक तो है ये मदरबोर्ड, जो खास लिमिटेड एडिशन मदरबोर्ड होगा, और साथ में ये स्पेशल एडिशन लिमिटेड एडिशन लैपटॉप भी लॉन्च किया हुआ है। और ये जो लैपटॉप है, इसका जो बॉडी है ये लेदर का बना हुआ है। अभी जो लैपटॉप है इस पर लेदर का उपयोग किया गया है, बहुत ही कमाल का है, और इसके सिर्फ 3000 यूनिट्स ही बनने वाले हैं, मतलब कि बहुत ही लिमिटेड एडिशन है। और साथ में ASUS ने ASUS Zenfone 6 का भी स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। अब कंप्यूटेक्स में ज़्यादा करके आपको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही दिखने वाले हैं और यहाँ पर मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें RGB का उपयोग किया है। ये देखिए, ये है चेयर्स और ये देखिए, ये भी एक केस है जिसमें RGB का उपयोग किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर RGB का उपयोग किया गया है, तो एकदम यूनिक किस्म के केसेस भी है। अभी काफ़ी गेमर्स जो हैं उनको इस प्रकार के केसेस भी पसंद आते हैं। ये देखिए, यहां पर स्पेसशिप टाइप का केस है, ये भी कमाल का लगता है। ये एक तरह से कैबिनेट है जिसमें आपका मदरबोर्ड, CPU और ग्राफिक्स कार्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने बैग्स का भी स्टॉल देखा था, तो काफी यूनिक किस्म के बैग्स है, देख सकते हैं कि LED है बैग्स के पीछे। स्पेशल केसेस हैं कंप्यूटर्स के लिए जिनमें बहुत ज्यादा LEDs, RGB LEDs का उपयोग किया है। MSI के बूथ में भी हमें कुछ खास चीज़ देखने को मिली। उनका जो नया टैगलाइन है वो है मेड फॉर गेमर्स एंड क्रिएटर्स। अब जो क्रिएटर होते हैं वो ज़्यादा करके गेमिंग PC खरीदते हैं क्योंकि वो पावरफुल होता है। अब MSI ने क्रिएटर्स के लिए स्पेशल लैपटॉप्स लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने क्रिएटर्स के लिए जो हार्डवेयर है उसे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया हुआ है। जैसे कि जो क्रिएटर है वो सेटअप कर सकता है कि उनको कितना कोर चाहिए। उदाहरण के तौर पे, अगर वो एक तो फोटोशॉप का उपयोग कर रहे हैं और एक वीडियो एडिटर का उपयोग कर रहे हैं, तो फोटोशॉप के लिए वो एक कोर को असाइन कर सकते हैं, डेडिकेटेड कोर, और वीडियो एडिटिंग जिसमें आपको ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं तो वीडियो एडिटिंग के लिए वो तीन कोर्स असाइन कर सकते हैं उदाहरण के तौर पे। तो इस तरीके से जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा क्रिएटर्स को। और ये भी काफ़ी यूनिक किस्म का डेमो था जिसमें एलेक्सा का उपयोग किया गया था, इसे एम्बियंट मोड कहते हैं, कमाल का है। देखिए, Chinese style music.
also the palace in Beijing. One more place to go. Okay, next stop. Bring me to Tokyo. So that is the Tokyo Tower. Tower. You can see the Tokyo Tower here. Okay. And here I'm going to show some funny ambience. Sometimes you want to enjoy a different atmosphere in your gaming room or something. So, Alexa, show MGM Rainbow. Alexa, show ambient sunset. It's a sunset here. Setting. Sunset. So the sun's getting down. So it's okay, what's behind me? For them, it's very nice. And one more thing we can link with gaming experience. Okay. That is the screen extension. Alexa, show screen extension. So ये जो display है, this has gone there. You can see that. So that's the Pac-Man. Oh yeah, shoot. Ah yeah, see. You see the lights, it'll turn red when someone shoots at you. Oh. You're dead. Almost dying. Dead. Yeah. इसके अलावा बहुत सारे अन्य लैपटॉप्स भी MSI ने डिस्प्ले किया था। तो ज़्यादा करके कंप्यूटेक्स में आपको कंप्यूटर और गेम से रिलेटेड बहुत सारे जो नए गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, वो देखने को मिलेगा। और ख़ास करके इस बार तो बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स हैं, यूनिक किस्म के कैबिनेट्स, वो देखने को मिला। ये देखिए, ये साइकिल बाइक भी काफ़ी यूनिक किस्म का था। और ये देखिए, ये और कैबिनेट्स हैं, यूनिक किस्म के हैं। तो
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।